रोली तिवारी, पिता कमलेश तिवारी, निवासी ग्वालियर से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएं। रोली तिवारी, पिता कमलेश तिवारी, निवासी ग्वालियर। जिनको पत्र पढ़ना है हमारे साथ में एलईडी पर, आस्था चैनल पर, टीवी के माध्यम से पत्र पढ़ सकते हैं। आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिलाओ एक बार। ठीक है, ठीक है। रोली तिवारी, पिता कमलेश तिवारी, निवासी ग्वालियर। गुरुदेव, मेरी भाभी 2020 से अचानक बीमार हुई, जिससे उनके सीने में दर्द हुआ। दिखाया तो सीने के अंदर एक गांठ थी, चेस्ट में गांठ हुई। उस गांठ को निकाला गया, पस निकाल कर उस गांठ की जांच कराने के लिए बाहर भेजा गया। जब गांठ की जांच करने के लिए बाहर भेजा, तब उस जांच में आया कि मेरी भाभी को बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। हमने ऑपरेशन भी करवाया, पर ऑपरेशन कराने के बाद वो बीमारी और फैलती चली गई, आराम लगना बंद हो गया। भाभी बिस्तर पे पड़ गई, खा नहीं पाती, पी नहीं पाती, बहुत बीमार रहने लगी। तब हमने किसी ने कहा, रोज एक हमारी पड़ोसन शिवजी को जल चढ़ाने जाती है, हमने उसके कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, पर भाभी को कोई आराम नहीं मिल पाया। दूसरी बार हमने फिर पशुपति व्रत किया। पशुपति व्रत करते करते हमने भाभी को शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। जैसे ही शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल देना प्रारंभ करा, तीसरा पशुपति व्रत हुआ। गुरुदेव, जो 2020 से पलंग पर पड़ी थी, एक अंश भी हिल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी, हम बाबा का क्या गुणगान करें। गुरुदेव, बाबा बाबा है। हमने शिवजी पर जल चढ़ाकर उसको देना प्रारंभ करा और एक बेलपत्री उसको देना चालू करी। बाबा की कृपा से उसकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आई और 16 अगस्त से उसने चलना फिरना बाबा की कृपा से चालू कर दिया। अब उसको आराम आराम है। बाबू, हाथ हिलाइए एक बार, दोनों हाथ। हर हर महादेव। बैठिए गुरुदेव। डॉक्टर ने भी कह दिया इसका रोग समाप्त हो रहा और बाबा की कृपा होना प्रारंभ हुई। ये शिव तत्व है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आप जिस विश्वास से, जिस भरोसे से शंकर भगवान को जल चढ़ाते हो, शिव उस जल को अमृत तत्व में परावर्तित कर देते हैं।